हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मैगराज हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द सेकंड लेक्चर ऑफ रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटेंसिटी एंड फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो साथियों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडिएशन विकिरण और द्वैत प्रकृति पदार्थ की, द्वैत प्रकृति के सब्जेक्ट से रिलेटेड सेकंड लेक्चर, जिसमें हम वर्क फंक्शन, कार्य फलन, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य, प्रकाश धारा, फोटो करंट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो नोट वन, ये देखिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव हमने पढ़ा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी यहाँ पर ये नेगेटिव ऋणात्मक धातु प्लेट थी और ये धनात्मक धातु प्लेट थी। इस तरीके से ये प्रकाश आपतित होता था और उच्च वेग से ऐसे इलेक्ट्रॉन इमिट होते थे, ठीक है, और परिपथ पूरा करते थे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें ऋण अंतराकाशी आवेश क्या होता है। अंतराकाशी आवेश जिसे चार्ज क्लाउड बोलते हैं, चार्ज क्लाउड। तो नेगेटिव मेटलिक प्लेट के किनारों पर कुछ आवेश रह जाता है जो उत्सर्जित नहीं हो पाता, उसी आवेश को अंतराकाशीय आवेश बोलते हैं। द चार्ज विच रिमेन्स लेफ्ट एट द एजेज ऑफ नेगेटिव मेटलिक प्लेट विच रन टेक्स प्लेस टू द इमिशन इज कॉल्ड चार्ज क्लाउड। यानी ऋणात्मक धातु प्लेट के किनारों पर उत्सर्जन से वंचित रह गए आवेश को चार्ज क्लाउड या अंतराकाशीय आवेश कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब इस चार्ज को कैसे ले जाया जाए। तो इस चार्ज को अगर ले जाना है, देखिएगा, जो इसकी इफेक्ट था, ये उचित आवृत्ति का प्रकाश पड़ा। तो यहाँ पर देखिएगा, हम ये डिस्कस कर लें साथी में कि प्रकाश धारा जो थी, फोटो करंट एंड इंटेंसिटी तीव्रता, देखिए जितनी तीव्रता का यहाँ से प्रकाश इस प्लेट पे आपतित होगा, मतलब जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होंगे, उत्सर्जित होंगे। तो ये जो यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उन्हीं की वजह से फोटो करंट होगी, प्रकाश धारा होगी। इसका मतलब प्रकाश धारा जो है फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती, ठीक है ना। फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है, मतलब यहां पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंसिटिव लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी का यहां पर इंसिडेंट करेगा, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, फोटो करंट उतनी ही ज्यादा होगी। इट मीन्स प्रकाश धारा जो होगी प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है और फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। इसका मतलब इनका कर्व जो होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब ये चीज कंफर्म हो गई कि जितने ज्यादा आवृत्ति, उचित आवृत्ति का प्रकाश, तीव्रता का प्रकाश ये कह सकते हैं, जितनी ज्यादा तीव्रता का प्रकाश आपतित होगा उतने ही ज्यादा फोटोन उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, उतनी ही ज्यादा प्रकाश धारा होगी, ओके। तो ये है, तो अब इस बचे हुए चार्ज को यहां पहुंचाने के लिए क्या करेंगे। तो ये होता है वर्क फंक्शन, नोट टू, कार्य फलन जिसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है ना। तो अब इन इलेक्ट्रॉनों को, या सिंपली कह सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मेटलिक प्लेट से पॉजिटिव मेटलिक प्लेट में पहुंचाने के लिए जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी हो,
न्यूनतम ऊर्जा जरूरत पड़े उसी न्यूनतम ऊर्जा को कार्य फलन कहते हैं। तो ये कह सकते हैं रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, ठीक है, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, जिससे फॉर विच इलेक्ट्रॉन इमिट्स फ्रॉम एम निगेटिव टू एम पॉजिटिव, ठीक है, वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक धातु प्लेट से धनात्मक धातु प्लेट में पहुंच जाए उस न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्य फलन कहते हैं। सो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी फॉर विच एम इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड और इमिट्स फ्रॉम नेगेटिव मेटेलिक प्लेट टू पॉजिटिव मेटेलिक प्लेट, दिस रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन, इस न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को ही कार्य फलन कहते हैं। तो देखिए भी ये वर्क फंक्शन होता क्या है, तो वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं और ये होता है एच न्यू नॉट और यही एच सी बाई लैम्डा नॉट, क्योंकि आपको पता है न्यू इक्व टू सी बाई लैम्डा था तो न्यू नॉट इक्व टू सी बाई लैम्डा नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, तो देखिएगा यहाँ पर न्यू नॉट क्या है, इसको बोलते हैं देहली आवृत या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसी तरीके से लैम्डा नॉट को देहली तरंग दैर्ध्य या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये अब इनकी वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए देखिएगा फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा नॉट, यानी ये क्या थी रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, तो ये क्या होगी, ये भी होगी रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है ना। तो ये क्या होगी रिक्वायर्ड मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य, ये और इन सब के लिए फॉर विच इलेक्ट्रॉन इमिट्स फ्रॉम एम नेगेटिव टू एम पॉजिटिव, ठीक है। तो आप देखते हैं इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि न्यू नॉट क्या होगा, वह आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन एम नेगेटिव से एम पॉजिटिव में पहुंच जाए, परिपथ पूरा कर ले, क्या कहेंगे देहली आवृत्ति कहेंगे, रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम एम नेगेटिव टू एम पॉजिटिव, एम मीन्स मेटलिक धात्विक, एंड हियर लैम्डा नॉट इज रिक्वायर्ड मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम एम नेगेटिव टू एम पॉजिटिव, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे कोई इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक धातु प्लेट से धनात्मक धातु प्लेट में पहुंच जाए उसे देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो ये सीक्वेंस में अब इनके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें से हम एक चीज और डिस्कस कर लें कि कब इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो पाएगा और कब नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगर हम इसको कंपेरिजन करेंगे इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी के साथ, तो देखिएगा ये न्यू नॉट है और ये क्या थी मिनिमम मतलब न्यूनतम, तो इससे पीछे यानी न्यू नॉट इतनी फ्रिक्वेंसी है कम से कम इतनी तो हो जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो सके, तो मतलब इससे कम तो नहीं होगा, यानी इसके पीछे अगर न्यू डैश लेस देन न्यू नॉट है नो इमिशन, ये हमने कोई जनरल फ्रिक्वेंसी मान ली है न्यू डैश, तो न्यू डैश इज ग्रेटर देन न्यू नॉट इमिशन पॉसिबल संभव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इमिशन नहीं होगा और यहाँ पर इमिशन होगा, ठीक है। इसी तरीके से लैम्डा नॉट था मैक्सिमम वेवलेंथ, तो ये सबसे ज़्यादा यानी इससे आगे पॉसिबल नहीं है,
तो इसके आगे लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, नो इमिशन, और लैम्डा डैश लेस देन लैम्डा नॉट, इमिशन पॉसिबल। यहाँ पर इमिशन होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपसे डिस्कस किया जाए तो आप इसके अकॉर्डिंग न्यू नॉट और लैम्डा नॉट से कंपेयर करके बता सकते हैं कि उत्सर्जन होगा या नहीं, ये मिशन पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। ये अब इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, संस्तब्ध विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसे हम बोलते हैं संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव, ये ठीक है ना, संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव। तो ये क्या होता है, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे थे मैक्सिमम वेलोसिटी से, इसका मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये पोटेंशियल वी नॉट है जिसे हम संस्तब्ध विभव या कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल। तो वी नॉट है कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इसको जब एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे ऊर्जा के रूप में, तो देखिएगा V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो W इक्वल टू E इंटू V, तो ये हो जाएगा E V नॉट, यानी एनर्जी के फॉर्म में इतना होगा। तो वह ऋणात्मक विभव ऐसा पोटेंशियल होता है, नेगेटिव पोटेंशियल, वह ऋणात्मक विभव जो देखिएगा इस प्लेट को दिया जाएगा, इसको M पॉजिटिव को, क्योंकि इधर से M नेगेटिव की तरफ से तो ये अधिकतम गतिज ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और इन्हीं को रोकना है, तभी इसका नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको रोकने के लिए इस प्लेट को गिवन किया जाएगा, दिया जाएगा। तो वह ऋणात्मक विभव जो धनात्मक धात्विक प्लेट को देने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन पूर्णतया बंद हो जाए, रुक जाए, उसे हम निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव कहते हैं। सो गिवन नेगेटिव पोटेंशियल फॉर विच एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बी कंप्लीटली स्टॉप्ड, ओके, सो रिक्वायर्ड नेगेटिव पोटेंशियल विच गिवन टू द पॉजिटिव मेटलिक प्लेट फॉर विच एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली स्टॉप्ड कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसी के क्रम में देखिएगा, ये के मैच जो थी वो ई वी नॉट के इक्वल, ये भी एनर्जी का फॉर्म और ये भी एनर्जी का फॉर्म, तो सिंपली आप ऐसा लिख सकते हैं, या वेलासिटी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, या वेलासिटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो टू ई वी नॉट अपॉन एम अंडर रूट इतनी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की भी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर इस केस में से डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि इफ 200 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल किसी पॉजिटिव मेटलिक प्लेट में अप्लाई किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिएगा K max equals to EV naught होता है, ये V naught है, तो E into 200 या 1.6 into 10 power minus 19 200 कितने जूल आ जाएगी। और इसी को अगर हम 1/2 MVA या सिंपली आप ऐसे लग सकते हैं कि V max equals to 2 EV naught upon M था, डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ 200 अपॉन m, इलेक्ट्रॉन का मास रखते हैं या फोटोन का मास जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास के ही इक्वल होता है। तो इस तरीके से इतनी आ जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी, ओके।